झीलें ज़्यादातर खूबसूरत होती हैं, पर एक ऐसी भी झील है जिसे देखकर आपको डर लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस झील में। सर्दियों के मौसम में यह झील पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई होती है, तब ये एक नॉर्मल झील की तरह ही दिखती है। पर जैसे जैसे गर्मियों का टाइम आता है, झील के ऊपर का बर्फ़ हटता है, तब यहाँ का नज़ारा डरावना हो जाता है। बर्फ़ हटने पर यहाँ सैकड़ों कंकाल उभर आते हैं। जी हाँ, कंकाल यानी आदमियों की हड्डियाँ। इस झील को देखकर कोई भी आराम से डर जाएगा। यहाँ हर जगह चारों तरफ इंसानों की हड्डियाँ और खोपड़ी बिखरी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ इंसानों की हड्डियाँ आई कहाँ से हैं। इसके पीछे बहुत सी थ्योरी है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे के रहस्य का पता चल ही गया, तो आइए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस झील का नाम रूपकुंड झील है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह झील हिमालय के 16,499 फीट ऊँची एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। यह झील बहुत ही गहरी है, लगभग 2 मीटर गहरी। यह झील टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही आकर्षक जगह है। बहुत से रोमांच पसंद करने वाले लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और झील में पड़ी हड्डियों से अचंभित हो जाते हैं। इस झील की खोज 1942 में हुई थी। रूपकुंड झील की खोज नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर H.K. माधवाल द्वारा की गई थी। उस समय वहाँ उन्होंने कम ही कंकाल देखे थे, लेकिन अब तक वहाँ सैकड़ों कंकाल खोजे जा चुके हैं। यहाँ हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ चप्पल, चूड़ी, नाखून, बाल आदि का भी अवशेष मिला है। यहाँ के कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर भी पाया गया है। इस झील के पीछे बहुत सी थ्योरी है। इसी की एक थ्योरी की माने तो यह कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों का है। यह बात 1841 की है, जब जनरल तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट कर आ रहे थे। तब वे लोग अपना रास्ता भटक गए, तभी वहाँ का मौसम खराब हो गया और वहाँ भारी ओलों की बारिश होने लगी। इन्हीं ओलों की वजह से वहाँ उनकी मौत हो गई। लेकिन बहुत सालों के रिसर्च से पता चला कि ये कंकाल सैकड़ों साल पुरानी है। आखिरकार अब वैज्ञानिकों को इसके पीछे का रहस्य मालूम हो गया है। रिसर्च से पता चला कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के समय के हैं। ये कंकाल भारतीय आदिवासियों के हैं। इसके अलावा यहाँ इन आदिवासियों की मौत भीषण ओलों की बारिश के वजह से हुई है। शोध से यह भी पता चला है कि ये कंकाल 2 ग्रुप्स के हैं, जिसमें एक ग्रुप में एक ही परिवार के लोग हैं और दूसरे ग्रुप में छोटे कद के लोग हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इन लोगों की मौत किसी हथियार या लड़ाई में नहीं हुई है। इनकी मौत वहाँ भीषण ओलों के इनके सर से बहुत तेज़ी से टकराने से हुई है। इन ओलों का आकार बहुत ही बड़ा था, जिसके वजह से इनका सर फट गया था और इसी के वजह से वहाँ कंकालों का झील बन गया। इसे आज भी कई लोग एडवेंचर और रोमांच के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानते हैं। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप भी यहाँ जा सकते हो। अगर आप भी इस झील के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching.